कि 17 जून यानी कल मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, इंडस्ट्री के सबसे सब बड़े जो दिग्गज लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और जो फिल्म सबसे यानी कि सबने जो जो प्रीव्यू हुए हैं वहाँ सब ने बहुत पसंद आई है, उसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और पिक्चर अभी कल से थिएटर में आ रही है, अभी लोगों का प्यार मिलेगा मुझे गारंटी है इसकी। हाँ, अभी एक कहानी है जो ये भिरकिट शब्द है, ये पूरा एक महाराष्ट्र में जितना अपना विलेज है उसमें ये यूज़ किया जाता है भिरकिट, जो हर एक सुख का दुख का हर एक जो अपने पीछे पड़ता है, जैसे आप टेंशन बोलते हो या कुछ भी हो ऐसा, तो इसको हम मराठी में भिरकिट बोलते हैं। तो इस टाइटल जो हमारा भिरकिट है तो उसमें ही एक बहुत मज़ा है, और उसके साथ जो स्टोरी लाइन है मैं इतनी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक एक ऐसी चीज़ एक घटना ऐसी होती है उससे जुड़ते हैं सब एक एक करके, और जितने फंस जाते हैं ऐसे अपनी भिरकिट है, और ये ब्लैक कॉमेडी है। एक्चुअली भिरकिट इस फिल्म में मैंने रेशमा का कैरेक्टर किया है, बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो इससे पहले भी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन इस जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया है रेशमा का वो काफ़ी अलग है, जैसे कि मैं हालांकि रियल लाइफ में जैसी हूँ बिल्कुल वैसे इस फिल्म में नहीं हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर किया है, और बस और इतने सारे बड़े स्टार कास्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, इसी में ही मेरा बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है कि इसी एज में आकर मुझे गिरीश कुलकर्णी, ऋषिकेश जोशी जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए बहुत कुछ सीखे बातें सीखी है मैंने, लाइक जैसे कि उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मे बी अभी स्कूल के डेज से जो हम बुक्स रीड कर रहे हैं ये वो, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उस पे कमांड कर सके, लेकिन मैंने ऋषिकेश सर जो है उनसे एक बात सीखी है, कोई भी डायलॉग हो किसी भी लाइक कि विलेज टाइप हो और सिटी टाइप का हो, इतने फ्लुएंटली बोलते हैं वो कि बस मुझे लगता है कि मैं उनको सुनते ही रहूं बस, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। दोनों फिल्में बहुत अलग हैं, जैसे अभी गिरीश कुलकर्णी उनको नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत मराठी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब लैंग्वेज में वो काम करते हैं, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छा, और ऋषिकेश जोशी दोनों भी एक तगड़े कास्ट हैं हमारे फिल्म के, मोनालिसा है, तानाजी है ऐसे सैराट वाला तानाजी, और फिल्म बोबाटा और भिरकिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों जॉनर अलग है और दोनों की मज़ा फिल्म के जॉनर बहुत अलग है और मज़ा भी अलग है उन दोनों। झाला बुबाटा फिल्म की थी, उसमें मुझे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी बिकॉज उस फिल्म में मुझे एक सॉन्ग मिला था पेंजल, और जब तक रिलीज़ होने वाली थी फिल्म तब तक उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए थे, और फिल्म रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आई, तो मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो रोल मुझे ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि गिरीश कुलकर्णी सर इसमें काम कर रहे हैं, ऋषिकेश सर है, तानाजी जो मेरे अपोजिट था उसका सैराट फिल्म आ चुका था तब तक, तो मुझे मैंने ज़्यादा तो सोचा नहीं और मैंने बस कह दिया कि हाँ, लेकिन अभी जब ये फिल्म की प्रोसीजर हो के फिल्म अभी रिलीज़ पे है तभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिल्म के लिए हाँ कह दिया, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ क्योंकि अभी मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ है अभी की, हालांकि हमें अच्छे थिएटर स्क्रीन मिले हैं उसमें नो डाउट, क्योंकि मेरी फिल्म अच्छी और वो चलने वाली है उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मुझे बस ये बात है इसके आपने अभी पूछा है और मैं कुछ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी मुझे मौका मिले इस बात के बारे में कहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि
अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मराठी फिल्म हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हम लोग को उसमें स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी साउथ का फिल्म डब हो रहा है वो हिंदी में रिलीज हो रहा है, तो हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अगर तुम लोग सारे के सारे मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके साउथ के साउथ फिल्म यहाँ पे रिलीज कर रहे हो तो हम लोग को कब मिलेगा? हमारे यहाँ पे जब साउथ की फिल्म रिलीज होती है यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, हम लोग की फिल्म क्यों नहीं लगती करना साउथ में? तेलुगु में लगती है, एक दो शो लगते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं लगते। यहाँ पर आते हैं, रीमेक करते हैं और वही फिल्म। फिर हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग जो लोग सोच रहे हैं, हम लोग के जो डायरेक्टर सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे हैं, वो हम लोग कब तक है करेंगे? कब हम लोग का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचेगा? नहीं हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग को अभी ऐसा है कि लास्ट मंथ एक मराठी हिस्टोरिकल फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये था कि कोई साउथ की फिल्म आई थी उसके वजह से हम लोग को शो ही नहीं मिले। तो कैसी मराठी फिल्म चलेगी, कैसा कलेक्शन दिखेगा? अभी हिंदी के बारे में भी वही है, ऐसा हो सकता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो लेकिन थिएटर ही नहीं मिले। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद थिएटर में जाती हूँ, शो ही अवेलेबल नहीं है कोई साउथ की फिल्म है, वो तो बहुत दूर की बात, वो तो है ही है। अभी हम लोग अगर कोई चैनल लगा लें हिंदी का, सोनी मैक्स हो, कोई भी चैनल हो, मैंने अगर बटन ऑन कर दिया तो वहाँ पे होता है दुखी आत्मा, ऐसे कोई भी फिल्म होता है जो साउथ का डब होता है, हिंदी फिल्म नहीं है क्या? अगर हिंदी में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग को खुद का कंटेंट ही नहीं देखने मिलता, वहाँ की फिल्में हैं जो डब होके हम लोग को देखने मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रिलीज मत करो, करके करो, लेकिन प्रायोरिटीज फर्स्ट महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रायोरिटीज मिलेंगी ही नहीं अभी इस एज में, अगर मुझे प्रायोरिटी नहीं मिला तो मैं क्या कब 30 साल की 40 साल की होकर थोड़ी काम करियर बना सकती हूँ? अभी जो मैंने फिल्में की है, मेरी फिल्म अच्छी है लेकिन वो लोगों तक कब पहुँचेगी? जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स में लगेंगे। मुझे अभी थोड़ा याद है कि बाला साहेब ठाकरे जी ने सोंगाड़ा नाम की एक फिल्म हिंद माता थिएटर मुंबई में एक फिल्म उतार के मराठी फिल्म लगाई थी। उसके बाद आज तक, ये तो मैंने सुना है, शायद मैं कभी रहूँगी भी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई, उसके बाद आज तक कोई बाला साहेब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है कि जो कह सके कि भाई मेरे मराठी फिल्म का और हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का ये कंटेंट अच्छा है, ये फिल्म अच्छी नहीं, ये उतार के हमारी फिल्म लगाओ करके, ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा खड़ा हो बाला साहेब ठाकरे जी के जैसा, जो मेरी जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करे, आगे आए, आगे आके हमारे जो फिल्म्स हैं उनको भी नंबर ऑफ शोज मिले, थिएटर्स मिले। क्योंकि जब तक थिएटर्स नहीं मिलेंगे हम लोग कैसे, हम लोग का करियर कब होगा, कब हम तक ऑडियंस तक कब पहुँचेंगे? मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग मुंबई में आता है, मुंबई कहाँ में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं एक्स्ट्रा टैक्स ये करके टिकट बढ़ा के कमा रहे हैं, हमारे लोग कब कमाएंगे? हमारा फिल्म, हमारे फिल्म पे खर्चे नहीं होते, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता क्या? हम लोग किसी को भी आर्टिस्ट लेके फिल्म करते क्यों नहीं? बॉलीवुड में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े स्पेंड करके प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को लेते हैं, हमारे अगर टिकट का दाम देखो तो 200 रुपया, उनके अगर देखे तो 400-500, उनको नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है, तो इसमें लॉस हमारा ही है। कैसे हमारी फिल्म चलेंगी? अगर हमारे एक बार प्रोड्यूसर का लॉस हुआ तो दूसरे टाइम प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी की कोई फिल्म लाओ ही मत साउथ की, लगाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। रजनीकांत जी, मेरे खुद खुद रजनीकांत सर की फ़ैन हूँ, मैं खुद कमल जी की फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं जिनके फ़ैन हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी फिल्म रिलीज़ मत करो, मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को भी चांस हो, लेकिन अभी तो ये हो रहा है
कोई भी आ रहा है साउथ का, उसका फिल्म हो रहा है हिंदी में डब हो रहा है, मराठी में डब हो रहा है रिलीज, अरे फिर हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अभी आपने जो कहा कि जस्ट शेर शिवराज के बारे में भी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद देखी है, लेकिन उनका नंबर ऑफ शोज नहीं है अवेलेबल हुए क्योंकि KGF लगी थी, जबकि हमारे शोज की टिकट थी 300 रुपये, जबकि उनकी है 500-600 रुपये। तो हम लोग का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्यों नहीं हमारी फिल्म लगाते? लगाएंगे तो भी 100-200, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके 6-6 शो होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफ़ी है, ये ना इंसाफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि श्रीमान जो बाला साहब ठाकरे जी सर थे, उनके जैसा कोई तो आगे आए, और उन्होंने जो उस समय पे किया था सोंगाड़ा फिल्म लगा के, मराठी फिल्म लगाई थी, तो हमारी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता। मैं इससे स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इस चीज़ से। और बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता, जब आप लोगों की फिल्म हिंदी डब होके यहाँ पे आती है तो फिर क्यों रिलीज करते हो हिंदी में? नहीं करो, क्योंकि आपको वो ऑफर ही नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली, उनकी वाइफ महाराष्ट्र है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड ऑफर नहीं करते। मैं क्या सोचा, कुछ कह ही नहीं सकती मैं सेंटेंस करती। बुरा तो लगता है, क्योंकि क्या है कि पहला तो रीजनल लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम फिल्म करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाके हम लगा नहीं सकते, तो हमारी टेरिटरी लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र में ही हमारा अगर मुंबई में कम शो, पुणे में कम शो, तो ये हर डायरेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी पिक्चर के लाइनअप पूरे साल के है, तो हमें वो गैप निकालना पड़ता है कि अभी इस फ्राइडे थोड़ा, तब तक हम जब तक पिक्चर डिक्लेयर करें तब तक उनकी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसमें स्पेस निकाल के एक शो दो शो में इतना स्ट्रगल करके हम नहीं कर पाएंगे उतना टारगेट हमारा अचीव। तो ये हर डायरेक्टर की समस्या है, मराठी डायरेक्टर की समस्या है, और महाराष्ट्रीयन पिक्चर की समस्या है, मराठी फिल्म की समस्या है, और मराठी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऐसे इतने कंटेंट अच्छे, इतना सॉलिड पिक्चर बन रही है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्रीन कम, तो हम नंबर से भी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। अभी हाँ है, लेकिन करेक्ट सर, लेकिन उस टाइम पे कोई साउथ की मूवी नहीं थी या कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, इस टाइम पे उनको स्पेस मिला, लेकिन बहुत ऐसे मराठी पिक्चर है कि उनको बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हो रहा है हर फ्राइडे कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है, तो हमें चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारी पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कंटेंट क्या है, हमारी फिल्म क्या है, तो हम आप तक पहुँच नहीं पा रहे, ये हमारा दुख है। सही बात है, तभी नंबर ऑफ शोज ज़्यादा थे, स्क्रीनिंग ज़्यादा थी, इसलिए वो फिल्म हिट हो पाई और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था, उसी के लिए तो हम लोग कह ही रहे कि वो हमारा अच्छा ही लक था। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज पे है, उस टाइम पे कोई ना कोई साउथ की फिल्म आजकल आ ही रही है, उनकी फिल्म आई तो शो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कब हम लोग का हमारा कंटेंट अच्छा होकर भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? तो तभी वो कंपटीशन नहीं था। आजकल की बात कर रही हूँ मैं कि आजकल इतने ज़्यादा साउथ की फिल्म आ रहे हैं, आ गया कोई भी साउथ की फिल्म है ही, हर फ्राइडे देखो तो फिल्म है, तो हम लोग की फिल्म कब लगवा है? यस, मुझे बिल्कुल लगता है जब भी हम लोग जब बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, साउथ को कोई भी एक्टर हो यहाँ पे रिस्पेक्ट है, मैंने कभी नहीं देखा हमारे एक्ट्रेस को, मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब भी कास्ट करते हैं तभी कोई छोटा रोल कोई मोटा रोल आया गया ऐसा इस तरह का उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। कितने सारे लोग हैं बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे बहुत उंगली पे गिनने जितने आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से रोल कर पाए, मुझे तो नहीं पता कि अभी
एक ही है जो रजनीकांत सर जी की, उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने वहाँ पे खुद का प्लेस बनाया। मुझे अभी कोई एक्टर नहीं पता कि जहाँ वहाँ पे जाके रिस्पेक्टेड कोई काम कर रहे थे। मैं पहले अपने खुद के रीजनल में काम करूंगी, मैं खुद महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ, मैं आज भी खुद महाराष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, हिंदी फिल्मों के लिए बात कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पे आज मुंबई में हूँ। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड आधा तो पूरा पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई में ही है, तो मैं सबसे पहले अपने खुद के लिए और खुद के रीजन के लिए ही ये करूँगी। ये तो मैंने बहुत दूर की बात है, बाद में सोचेंगे क्या। नहीं, मैं राजनीति और पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती पॉलिटिक्स में। अभी तो फिलहाल स्ट्रगल शुरू है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए नंबर ऑफ स्क्रीन, आज रात तक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो है कि अच्छे मिले, बस अभी गुरुवार रात तक पता चलेगा, बस अभी ही। हाँ वही, अभी स्ट्रगल शुरू है। मैं करेक्ट है आपका, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी स्ट्रगल शुरू है, फोन शुरू है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, तो शाम तक नतीजा आएगा, लेकिन ये स्ट्रगल क्यों, ये हमारा कहना है। जो इतनी बड़ी पिक्चर बनी है, सब रिव्यू अच्छे आ गए फिल्म के, ब्रिकेट के सब रिव्यू अच्छे हैं, तो मेरा यही कहना है कि हमें स्ट्रगल कम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे पिक्चरों को वेलकम होना चाहिए। तो फिर भी आज तक लिस्ट फाइनल नहीं है, प्रोग्रामिंग शुरू है, तो ये अभी तक फाइनल नहीं, हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन शाम तक, अभी तक मैं बात नहीं कर सकता उससे थोड़ा, लेकिन स्ट्रगल तो शुरू है अभी। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा ये इंटरव्यू देखे और वो आगे आके कुछ तो करे मराठी, मैं ये नहीं कर रही कि वो कह नहीं रहे, लेकिन आज जो सिचुएशन है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो अच्छे कंटेंट की फिल्म है, वो ऑडियंस तक पहुँचेगी जब नंबर ऑफ शोज नहीं होंगे, थिएटर नहीं। अभी मैं आते मैंने देखा तो साउथ की अभी दो फिल्म लगे हुए और हम लोग की यहाँ पे मारामारी चल रही है कि हम लोग को कब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, जबकि हमारा रिव्यू अच्छा है, सर ने इतनी अच्छी फिल्म की है, सब ने जी लगा के इसमें जी जा लगा के दिन रात एक काम करके काम किया है, तो हम लोग को अगर नंबर ऑफ स्क्रीन नहीं मिले तो भी नहीं, तो क्या फ़ायदा अच्छी फिल्म। नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रगल है उनके पास पहुँचे, हर फ्राइडे हम क्यों जाएं उनके पास, उनको भी बाकी के काम है ना, तो अगर महाराष्ट्र में हमें सीधा सीधा वेलकम हो जाए तो ये चीज़ें क्यों, ये हमारा कहना है। अगर अच्छा ये हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा, सिर्फ क्या है कि ये सब थिएटर ब्लॉक होते हैं ना, ये हमारा टेंशन है कि हर फ्राइडे अगर रहेगा तो मराठी फिल्म जाएगी कहाँ। हाँ तो अभी पूरे महाराष्ट्र में हो गया है सर, मराठी लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान दीजिए और मराठी फिल्म के लिए पहले स्क्रीन अवेलेबल कीजिए, यही कहना है। हम बोल ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी पे अन्याय हो, लेकिन पहला न्याय हमें दीजिए बस। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्म के लिए थिएटर नहीं है, इससे क्या क्या बात है, दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली।